सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मनन स्पीकिंग दिस साइड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सामने आपके खड़ी है दी ऑल न्यू लॉन्च्ड पैशन प्लस। वो गाड़ी है जिसको हम लोग पहले पैशन प्रो के नाम से जानते थे, लेकिन BS6 में पैशन प्रो तो दूसरी आ गई थी हीरो की तरफ से। तो अब इनको ये री लॉन्च करनी पड़ी है पैशन प्लस के नाम से। तो भाई सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आप इस बाइक को, पैशन प्लस को, 2023 BS6 फेज 2 इंजन के साथ अपने घर कितने पैसे में ले जा सकते हो। तो ऑन रोड प्राइस इसकी मैं आपको बता दूं, उन्नाव के हिसाब से 93,500 यानी कि 93,500 रुपीस में आप इसे घर ले जा सकते हो। तो भाई अब देखते हैं इसमें आपको क्या कुछ मिलता है 2023 में 6 फेज 2 इंजन के साथ इतनी कॉस्ट बढ़ाने के बाद हीरो की तरफ से। तो भाई सबसे पहले आप फ्रंट वाइजर देख सकते हो हीरो के 3D लोगो के साथ। स्टिकरिंग चेंज हुई है। इंडिकेटर आप जो देख रहे हो ये हेलोजन है, हेडलाइट हेलोजन है प्राइस रेंज के हिसाब से। और ये जो वाइजर है ना, ये BS3 पैशन प्रो वाला इन्होंने उठा के BS6 फेज 2 में दोबारा डाल दिया है। शीशा आप देख सकते हो, मिरर्स क्वालिटी बेसिक वाली मिलेगी आपको। ये देख सकते हो फ्लेक्सिबल कितने आपको मिलते हैं। ये प्लेटिना की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन ये है कि काम चल जाएगा आपका। अब हम लोग अगर मडगार्ड की बात करें, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो। मडगार्ड की बात करें तो पूरा प्लास्टिक का मडगार्ड है। टायर साइज आपकी स्क्रीन पे 90x100 R18 का टायर मिलेगा। शीशे बिल्कुल नॉर्मल बेसिक, कोई डिज़ाइन नहीं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बाकी इसका जो एक्सलेटर की आपको ग्रिप मिलती है भाई, वो बहुत स्मूथ है BS6 फेज 2 नॉर्म्स की वजह से। भाई सुपर डुपर स्मूथ। हीरो वालों ने पैशन प्रो से उठा के पैशन प्लस में ये वाला मीटर डाला। आप देख सकते हो आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा। इंजन मेल फंक्शन की लाइट, i3s की अलग से बटन मीटर पे दे रखी है। 140 तक मार्किंग है, बाकी आपको पता है कितनी जाती है। पहले वाला हाल है इसका। दोबारा एक बार स्टार्टिंग देखो, ट्रिप आपको एक ही मिलेगी। ओडो आपको दिख रहा है, चार्जिंग भाई दे दी पैशन प्लस में। चलो सही है यार, कुछ तो दिया हीरो वालों ने। कि आप देख सकते हो कैसी आपको मिलेगी, वही पहले वाली बिल्कुल नॉर्मल सी बेसिक, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको यही तो मिलेगा। और कुछ हीरो वाले भी ऑफर कर नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल पहले वाला आपको हैंडल मिलेगा, बिल्कुल क्रोम से एकदम लगा हुआ है बिल्कुल। और हीरो की ब्रांडिंग कैसे हीरो भूल सकता है इस हैंडल पर, आप देख सकते हो। बाकी स्विच गियर की आप क्वालिटी देख सकते हो। पास आपको मिल जाएगा, अपर डिपर आपको मिल जाएगा, क्लच आपका लिखी रहा होगा आपको बिल्कुल ब्लैक में मिलेगा। इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट आपको मिल जाएगी। पैशन प्लस का हाई पीक वाला पुराना वाला हॉर्न कैसे हम लोग भूल सकते हो भाई, ये रहा एक्सपीरियंस द केयर। 10 लीटर की टंकी मिलेगी आपको पेट्रोल की। स्टिकरिंग आप देख सकते हो पैशन प्लस की कितनी इन्होंने दोबारा वैसे चेंज करी है, 19-20 करी, बहुत अंतर नहीं लग रहा है। ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा। ये रहा इसका BS6 फेज 2 का FI वाला इंजन। जी हाँ, पैशन प्रो में आपको FI भी मिलेगी, वो भी किक के साथ। कार्बोरेटर हीरो ने निकाल के दिया फेक। चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ रियर सेक्शन में। बाकी आप साइड काउल देख सकते हो, आई स्टिकरिंग देख सकते हो, i3s हीरो की स्टिकरिंग इन्होंने पूरी कर रखी है। और बाकी पीछे से सब कुछ वही है यार। साइलेंसर इन्होंने, जिसको हमने एग्जॉस्ट भी कहते हैं, वो चेंज किया है क्योंकि अब इसमें कैटेलेटिक कन्वर्टर भी लग गया, लेकिन मुझे तो पहले वाला अच्छा लगता था। इंडिकेटर मैंने आपको पहले भी दिखा दिया फ्लेक्सिबल कितना आपको मिलेगा। और बाकी आप इसका ये रेड कलर देख रहे हो पूरा स्टिकरिंग के साथ। और सस्पेंशन वही पहले वाले टेलीस्कोपिक आपको मिलेंगे। आगे आपको हीरो की लैंग्वेज में जो हीरो को प्रोनशिएट करता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा IBS पुराना वाला, वही इन्होंने पूरा फेंडर उठा के डाल दिया है इस वाली बाइक में, जो फ्रंट वाली लाइट का मैं बता रहा हूँ आपको। टैंक आप देख सकते हो आपको किस तरह का मिलेगा, रेड कलर में स्टिकरिंग के साथ। और अंदर का आप तामझाम इसका देख सकते हो पूरा। सस्पेंशन में आपको वही IBS मैंने आपको बताया, टेलीस्कोपिक आपको बताया, और रिफ्लेक्टर को कैसे भूल सकते हैं हीरो वाले 2023 में। बाकी अलॉय भी इनका कुछ लिखा है ऐसा। और टायर की डिज़ाइन भी आप देख सकते हो क्या कुछ आपको मिलता है। और टैंक आप एक बार और स्टिकरिंग के साथ देख सकते हो। चेन में सबसे बड़ी बात, चेन कवर मिलता है भाई, ये ठीक है, अच्छी बात है। बैक से बात करें, रेड कलर का ग्रैब रेल मिलेगा, स्टिकरिंग आप देख सकते हो, चेन कवर मैंने आपको बता दिया। और सस्पेंशन की बात करते हैं अगर लोग, तो आपको वही पहले वाले सस्पेंशन मिलेंगे डुअल वाले बिल्कुल दोनों तरफ, लेफ्ट साइड एंड राइट। बाकी इंजन की बात करोगे तो बिल्कुल जेट ब्लैक वाला 2023 में इंजन मिलेगा आपको, बिल्कुल ब्लैक कलर का। गियर शिफ्टिंग की बात करें, फुचारी गियर मिलेंगे आपको। और ये आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ ये वाली बाइक मिलती है। चेन कवर आप देख सकते हो बिल्कुल कवर है ब्लैक कलर से। और आपको बार बार कम से कम ल्यूब नहीं करना पड़ेगा। सीट आप देख सकते हो, सीट की हाइट लेंथ जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। सीट में बैठ के खुद देखा था मैंने। और ये मेरी रेडर से भी ज़्यादा सीट इसकी कम्फर्टेबल है भाई। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पैशन प्लस 2023 BS6 फेज 2 रियर की लुक। भाई ये जो स्टिकर आप देख रहे हो ये मैं अभी हाइड कर दूंगा। बैक्स आप देख सकते हो, वही पुरानी वाली टेल लाइट और पीछे के भी इंडिकेटर नॉर्मल से ही बिल्कुल आपको मिलेंगे। नॉर्मल मतलब मेरा सेंस है कहेंगे, उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं फिर वही बोलूँगा। रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो। और ये हीरो वाले ना शूट नहीं करने देते हैं, इसलिए मैं चुपचाप भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस ओवर ऊपर से दे रहा हूँ। रियर सेक्शन की बात करें, रियर डिज़ाइन आप देख चुके हो, टैप देख सकते हो उसका लुक क्या है। और देख लो अपनी रेडर खड़ी है स्मार्ट एक्स कनेक्ट। और एक बार आप दोबारा इसका इग्निशन देख लो आपको क्या कुछ मिलेगा। अभी मैं आपको इसकी बटन्स यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। पूरा स्वाइप करा मीटर, न्यूट्रल की लाइट आपको मिल गई, वही इंसर के साथ है इंडिकेटर। और अभी आप देखो आगे क्या कुछ आपको मिलता है।
बैक का लुक आप देख सकते हो, ये ब्रेक दबाने पे पूरी जलेगी, लेकिन बी एस फोर पे लाइट डायरेक्ट जल जाती थी बैक लाइट, लेकिन इसमें ब्रेक दबाएंगे तब जलेगी सीधा। और रियर से मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ एक बार, आप पूरा ओवरऑल